टीडीएस में कैसे हम लोग पाउचर एंट्री करेंगे, कि कैसे टीडीएस काटना है और टीडीएस काटने के बाद पार्टी को पेमेंट करना है। दो तरीके हैं, या तो आप जर्नल पे कर सकते हैं या नहीं तो परचेस वाउचर पे कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल स्टेप है कैसे हम लोग पहले जर्नल का इस्तेमाल करेंगे और फिर परचेस वाउचर का। ये कंपनी बना हुआ है, मैं एक लेजर क्रिएट कर ले रहा हूँ। हमने लेजर क्रिएट कर लिया, बेनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ठीक। इसको हम रखेंगे कि इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर करते हुए आइए और यहाँ टीडीएस अप्लीकेबल को अनडिफाइंड की जगह आप अप्लीकेबल कर देंगे। फिर यहाँ नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, तो आप नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ से अल्ट सी करके डायरेक्ट मान लीजिए हमने कर दिया हॉर्स रेस। सेक्शन हम भर देंगे कि किस सेक्शन के अंतर्गत ये टीडीएस काटा जाने वाला है। हमने भर दिया 194 बी डबल बी। फिर यहाँ भर देंगे हम कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 से ऊपर है तो टीडीएस कितना कटेगा, पैन कार्ड रहेगा तो 30%, अगर नॉन डेसिडेंटल होगा तो 30.30.1। फिर यहाँ पे हमने कर दिया कि यदि पैन कार्ड नहीं रहेगा तो 20%। थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी कितनी है, 10,000, कि 10,000 से ऊपर यदि हॉर्स रेस वो जीत रहा है तो उस पार्टी का पहले टीडीएस काटा जाएगा। एक और मैं लेजर बना दे रहा हूँ, ये मान लीजिए रमेश है जिसने हॉर्स रेस जीता और इसको हमने कर दिया संडे ग्रेटर, इसको आप यस कर दीजिए। बता दीजिए कि किस टाइप का डिडक्टी है, हमने कर दिया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और पैन कार्ड हमने भर दिया कि पैन कार्ड यदि नहीं रहेगा तो 20%। बताया कि पैन कार्ड में आपको 10 डिजिट होता है, सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप सीधे आ जाइए वाउचर और यहाँ पे जर्नल। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट करने वाले हैं हॉर्स रेस कितने का जीता है, मान के चलिए वो जीता है 45,000 रुपए हॉर्स रेस, लेकिन 45,000 टोटल उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा, सबसे पहले उस पर टीडीएस काटा जाएगा। तो देखिए हम टीडीएस का एक लेजर बना, टीडीएस को रखे किस में है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस, और यहाँ पे कर दिया है एनी, और एनी करते हुए इसे सेव कर लिया। तो देखिए अभी यहाँ पे टीडीएस आपका डायरेक्ट कटा नहीं, कटा, रीजन क्या है कि आप यहाँ पे देखिए अप्लीकेबल किए हैं, ठीक, अप्लीकेबल हॉर्स रेस सेक्शन 194BB, रेस होल्ड लिमिट 10,000 और यहाँ पार्टी है आपका कौन, पार्टी का नाम बताइए रमेश। तो यहाँ टीडीएस काटने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, दिखाएंगे कि कितना टीडीएस कटा है, 13,500, तो आप यहाँ कर दीजिए टीडीएस, यानी कि मिलना था टोटल इसको 45,000 लेकिन हमने टीडीएस काट लिया, ठीक। और टीडीएस काटने के बाद आप जब बैलेंस शीट चेक करेंगे और लाइबिलिटीज देखेंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना डिपोजिट करवाना है, 13,500 और पार्टी को देना है 31,500। तो चलिए हम टीडीएस का भी पेमेंट कर दे रहे हैं F5, और यहाँ पे आप चाहें तो स्टेट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्टकट की है अल्ट जे प्रेस करेंगे तो पूछेगा कि आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं रिवर्स चार्ज के अंतर्गत, कि आप यहाँ से नॉट अप्लीकेबल ही कर दीजिए डायरेक्ट, किस पार्टी का पेमेंट कर रहे हैं, तो हम टीडीएस जमा करवा रहे हैं अगेंस्ट डिफरेंस कितना था 13,500, और पता है कि टीडीएस का पेमेंट बैंक से होता है तो आप बैंक का सिलेक्शन कर लीजिए और सेव कर लीजिए। अब जाएंगे बैलेंस शीट चेक करेंगे करंट लाइबिलिटीज, तो जो आपके ऊपर लाइबिलिटीज थी टैक्स के रूप में वो हट जाएगी, और सप्लायर को कितना देना है टीडीएस काटने के बाद, 31,500, तो आप चले जाइए यहाँ इसको भी पेमेंट कर दीजिए, पार्टी था रमेश और 31,500 हम टीडीएस काटने के बाद इसका पेमेंट कर देंगे, और इसको मान लीजिए हमने कैश पेमेंट कर दिया। रिपोर्ट आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्प्ले मिल जाएगा आपको सैचुरी रिपोर्ट, यहाँ मिल जाएगा टीडीएस रिपोर्ट फॉर्म नंबर 26,
देख पा रहे हैं 13,500 टीडीएस का टोटल डिडक्शन हुआ था, तो ये यहाँ से नहीं हटेगा, लेकिन जब आप पेमेंट करेंगे तो बैलेंस शीट में से जरूर हट जाएगा। ये रिपोर्ट जितना भी टीडीएस काटे रहेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक सब उसमें दिखेगा, लेकिन देखिए ना बैलेंस शीट में कोई टैक्स है हमारे ऊपर ना किसी क्रेडिटर को पे करना। तो यहां तक आप लोग करेंगे कि टीडीएस काटना कैसे है और उसका